वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। टुडे इज़ योर 16th वीडियो लेक्चर अंडर द टॉपिक मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ बनाना। इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, ईपी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। एंड द रेफरेंस ऑफ यूजिंग दिस टेक्स्ट और लिटरेचर इज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर जो यूज़ किया जाता है बनाना में, किस स्टेज पर, कौन कौन सी रीजन्स में, कौन कौन सी स्टेट्स में, किन किन स्पेसिफिक कल्टीवार्स में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का क्या कंसंट्रेशन होता है, SSP, MOP, यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट, किन मंथ्स में, किन ड्यूरेशन में, किन स्टेजेस पर, स्पेसिफिक किन वैरायटीज़ में कितना दिया जाता है, किस प्रोपोर्शन में दिया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताने का प्रयास करेंगे। द फर्टिलाइजर डोज डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैनर। जो फर्टिलाइजर का डोज होता है वो प्रायः सॉइल की फर्टिलिटी पर निर्भर करता है कि हमें कितना देना है, और इस पर भी निर्भर करता है कि उसमें पहले से ही ऑर्गेनिक मैनर कितना दिया जा चुका है। यही लाइन यहाँ पर लिखी है कि द फर्टिलाइजर डोज डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाइड टू द क्रॉप। हमारी भूमि में प्रायः उर्वरा शक्ति कितनी है, जब हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं उसमें सारे पैरामीटर्स क्लियर हो जाते हैं कि हमारी सॉइल कितनी फर्टिलिटी है और उसमें ऑर्गेनिक मैनर कितना अप्लाइड किया जा चुका है। उसके हिसाब से ही हम अपने फर्टिलाइज़र कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। और ज़्यादातर जब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बात होती है वहाँ पर दो कंडीशंस लिखी जाती हैं, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेस्ट। इफ़ सॉइल टेस्ट मेथडोलॉजी इज एब्सेंट देन द जर्नल रिकमेंडेशन आर एज फॉलो, इस तरीके से कहा जाता है ना। तो उसी तरीके से इस बात को यहाँ बताया गया है कि पहले हम फर्टिलिटी को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैनर कितना अप्लाइड हुआ है उसमें, उस हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स को देंगे। फॉर अ गुड यील्ड, अच्छी उत्पादन के लिए 40 से 50 टन पर हेक्टेयर, फॉर अ गुड यील्ड 40 to 50 टन हेक्टेयर ऑफ वेल डिकम्पोज्ड FBM इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सॉइल। 40 से 50 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को हम बनाना के खेत में इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का समन्वय भूमि में पर्याप्त मात्रा में बना रहे। द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज और ऑप्टिमम यील्ड इज एज फॉलो। जो रिकमेंडेड डोज हैं, रिकमेंडेशन कौन देता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, NRCs ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स, ये रिकमेंडेशन देते हैं और इनकी रिकमेंडेशन को ही हमको फॉलो करना पड़ता है। तो NRC बनाना और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन दिया है उस रिकमेंडेशन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक वेराइटीज़ हैं, इसके साथ साथ क्वान्टिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स दी गई है ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। कुछ वैरायटीज़ की बात करेंगे स्पेसिफिक, जैसे हम पूवन है, रसथली है एंड कर्पूरावल्ली है। इसमें अगर 3 मंथ्स का प्लांट है तो 3 मंथ के प्लांट में हम यूरिया SSP और म्यूरेट ऑफ पोटास MOP की कितनी मात्रा देंगे। 3 महीने का यदि हमारा पौधा है तो अगर वैरायटी मेरे पास पूवन है या रसथली है या कर्पूरावल्ली है तो वहाँ हम यूरिया 140 ग्राम देंगे, सिंगल सुपर फास्फेट 155 ग्राम देंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास 130 ग्राम देंगे। यदि ड्वार्फ कैवेंडिस है मेरे पास, रोबस्टा है, नेंद्रन है, तो वहाँ पर यूरिया हम 15 ग्राम देंगे, SSP 155 ग्राम देंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास 130 ग्राम देंगे। इन वैरायटीज़ को छोड़कर जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको सबको हम अदर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वहाँ 3 मंथ के प्लांट में यूरिया 110 ग्राम दी जाएगी, SSP 110 ग्राम दिया जाएगा, MOP 130 ग्राम दिया जाएगा।
अब हम पूवन रस्थली इनकर पूर्ववल्ली और डॉर्फ कैबेंडिस रोबस्टा नेंद्रन में आते हैं 5 और 7 मंथ में। जब इनके प्लांट 5 मंथ और 7 मंथ्स के होते हैं तो 5 मंथ में पूवन वाली वेराइटीज़ में यूरिया SSP MOP 230 ग्राम यूरिया, 155 ग्राम MOP, 320 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। डॉर्फ कैबेंडिस रोबस्टा और नेंद्रन की बात करें तो यूरिया 250 ग्राम, 105 ग्राम SSP, 320 ग्राम MOP। अदर वेराइटीज़ के लिए 150 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम फॉस्फोरस, वो 110 ग्राम SSP एंड 300 ग्राम MOP। अब यदि हम 7 मंथ्स के प्लांट की एज पे बात करें तो वहाँ यूरिया जो है 90 ग्राम, SSP को बंद कर देते हैं, MOP की मात्रा को बढ़ाकर 175 ग्राम कर देते हैं। ड्वार्फ कैवेंडिस एट ऑल पे बात करें तो यहाँ यूरिया हम 150 ग्राम, SSP नहीं देते हैं, MOP 225 ग्राम देते हैं थोड़ा बढ़ाकर। अदर वेराइटीज़ में बात करें तो 90 ग्राम यूरिया, SSP नहीं देते, MOP को थोड़ा बढ़ाकर 160 ग्राम कर देते हैं। ये जो सोर्स है, ये सोर्स नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना ट्रिची ने दिया है, उसकी रिकमेंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। ये ओपन कंडीशंस में हुआ जब हमने बनाना की सकर्स को या राइजोम्स को बोया। अब यदि हम टिशू कल्चर से बनाना का प्रोपोगेशन कर रहे हैं टिशू कल्चर मेथडोलॉजी के द्वारा, तो वहाँ फर्टिलाइज़र डोज थोड़ा अलग हो जाता है। तो हम टिशू कल्चर की यदि बात करें तो फर्टिलाइज़र डोजेस फॉर टिशू कल्चर बनाना इज़ गिवन बिलो। ऊपर की टेबल में आप देख पा रहे होंगे, इसमें इन्होंने कैटेगराइज किया है डेज के हिसाब से, डेज आफ्टर प्लांटिंग फर्टिलाइज़र डोज ग्राम पर प्लांट। डेज आफ्टर प्लांटिंग में 30 डेज है, 75 है, 110 है, 150 ग्राम है, 180 ग्राम है, और इसके बाद में है एट बंच इमरजेंसी स्टेज। फर्टिलाइज़र डोज ग्राम पर प्लांट में यूरिया अमोनियम सल्फेट सिंगल सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटास। 30 डेज पे हम देते हैं 45 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम अमोनियम सल्फेट। 75 पे देते हैं 90 ग्राम यूरिया, 190 ग्राम अमोनियम सल्फेट। 110 पे हम देते हैं 110 ग्राम यूरिया, 245 अमोनियम सल्फेट। 150 डेज पे हम देते हैं 110 ग्राम यूरिया, 245 ग्राम अमोनियम सल्फेट। 180 डेज पे हम देते हैं 90 ग्राम यूरिया एंड 195 अमोनियम सल्फेट। अब हम SSP की बात यदि करें तो 30 डेज पे 120 ग्राम, 75 पर 120 ग्राम, 110 डेज पे 125 ग्राम, 150 डेज पे 125 ग्राम, 180 डेज पे 125 ग्राम ये दी जाती है। बंच इमरजेंस स्टेज पर हम नहीं देते सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया और अमोनियम सल्फेट। अब इन्हीं स्टेजेस पर हम MOP की बात करें, 30 डेज पर 50 ग्राम MOP, 75 पर 85 ग्राम MOP, 110 ग्राम पर 85 ग्राम MOP, 150 पर 100 ग्राम MOP, 180 पर 100 ग्राम MOP, बंच इमरजेंस स्टेज पर 85 ग्राम MOP। इसका ये प्रोपोर्शन रहता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जिन न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंट होने पर जो डिफिशियंसी प्लांट पर दिखाई देती है उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनके क्या प्रिवेंशंस होते हैं, उन सिम्टम्स के साथ साथ उनके प्रिवेंशंस की बात करेंगे। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में यदि हम बात करें नाइट्रोजन डिफिशियंसी की, लीव्स ऑफ ऑल एजेस बिकम्स पेल ग्रीन। ऑल एजेस का मतलब होता है जिस भी स्टेज पर जो लीफ बनी है, अगर 3 मंथ पर जो लीफ बनी है, 6 पर जो लीफ बनी है, 9 पर जो लीफ बनी है, 1 साल की प्लांट पर जो लीफ बनी है, उसको हम एजेस में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो लीफ ऑफ ऑल एजेस बिकम्स पेल ग्रीन, जो लीव्स होती हैं प्रायः हर एक अवस्था की पेल ग्रीन हो जाती हैं, पेल ग्रीन। मिडरिप्स, पेटियोल्स
leaf seeds turn reddish pink and rosette in appearance. रोजेट मूंगफली में लगता है बहुत भयंकर बीमारी है तो रोजेट तरीके से उसका वो दिखाई देने लगता है स्ट्रक्चर. प्लांटेशन विद पुअर रूट ग्रोथ एग्जिबिट सच सिम्टम्स. जिनकी रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती उनमें ये सिम्टम्स दिखाई देता है. बंच वेट एंड फ्रूट क्वालिटी इज अफेक्टेड. बंच का वेट और जो क्वालिटी होती है फ्रूट की वो प्रभावित होती है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की डिफिशियंसी. अब इसके कंट्रोल के लिए एप्लीकेशन ऑफ यूरिया 300 ग्राम पर प्लांट फॉलोड बाई इरीगेशन इज रिकमेंडेड. 300 ग्राम पर प्लांट फॉलोड बाई इरीगेशन इज रिकमेंडेड. अब हम फॉस्फोरस की बात करें तो प्लांट सो स्टंटेड ग्रोथ विद पुअर रूट डेवलपमेंट. ओल्ड लीव्स सो सॉ टूथ मार्जिनल क्लोरिसिस. कर्लिंग ऑफ लीव्स ब्रेकिंग ऑफ पेटियोल्स एंड ब्लूइश ग्रीन कलर ऑफ यंगर लीव्स. समझ रहे हैं स्टंटेड ग्रोथ हो जाती रुक जाती है बहुत ही कम वृद्धि विकास होती है और जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरिसिस हो जाता है कर्लिंग हो जाती है मुड़ने लगती हैं पत्तियां पेटल्स ब्रेक होने लगते हैं और ब्लूइश ग्रीन होकर यंगर लीव्स जो हैं ब्लूइश ग्रीन होने लगते हैं. इसके कंट्रोल के लिए एप्लीकेशन ऑफ डायमोनियम फास्फेट DAP 50 ग्राम पर प्लांट फॉलोड बाय इरीगेशन इज रिकमेंडेड. पोटेशियम की हम यदि बात करें तो द डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड ऑरेंज येलो कलर ऑफ ओल्ड लीव्स स्कॉर्चिंग अलोंग द मार्जिन्स रिडक्शन इन टोटल लीफ एरिया कर्लिंग ऑफ मिडरिब्स एसेट्रा चोकिंग ऑफ लीव्स डिले फ्लावर इनिशिएशन लीडिंग टू द रिडक्शन इन यील्ड एंड क्वालिटी. चोकिंग ऑफ लीव्स डिले फ्लावर इनिशिएशन लीडिंग टू द रिडक्शन इन यील्ड एंड क्वालिटी. कंट्रोल पोटेशियम सल्फेट स्प्रे पोटेशियम सल्फेट 1% सॉल्यूशन ऑन द लीव्स इज रिकमेंडेड. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज कैल्शियम. कैल्शियम की डिफिशियंसी के सिम्टम्स कैसे होते हैं. द डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड डिफॉर्मेशन और एब्सेंस ऑफ लीफ लैमेला स्पाइक लीफ मार्जिनल लीफ नेक्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ बीन्स. जो कैल्शियम के सिम्टम्स होते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ लीफ लैमेला जो लीफ की लैमेला होती है पत्ती के बीच में उसमें एब्सेंस हो जाती है नेक्रोसिस भी होने लगती है और बीन्स थिक होने लगती हैं कमज़ोर होने लगती हैं. इसके कंट्रोल के लिए एप्लीकेशन ऑफ लाइम चूने का 50 ग्राम पर प्लांट फॉलोड बाय इरीगेशन इज रिकमेंडेड. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की हम यदि बात करें येलो डिस्कलरेशन इज ऑब्जर्व्ड. येलो डिस्कलरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द मिड ब्लेड एंड मिडिल पोर्शन. हाउएवर द मार्जिन्स ऑफ द लीफ रिमेन ग्रीन. जो मार्जिन्स होते हैं लीफ के वो ग्रीन बने रहते हैं लेकिन येलो कलर का डिस्कलरेशन मिड ब्लेड में स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है. पर्पल मोटलिंग ऑफ द पेटियोल्स मार्जिनल नेक्रोसिस एंड सेपरेशन ऑफ द लीफ सीड्स फ्रॉम द सीडो स्टेम इज आल्सो सीन. कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 25 ग्राम पर प्लांट फॉलोड बाय इरिगेशन इज रिकमेंडेड. नाउ द नेक्स्ट डिफिशियंसी इज सल्फर. द डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड येलो और वाइट अपीयरेंस ऑफ यंग लीव्स
The deficiency symptoms include येलो और वाइट अपियरेंस ऑफ यंग लीव्स, येलो और वाइट पीला और सफ़ेद तरीके का पत्ती में आपको अपियरेंस समझ में आएगा कलर में। नेक्रोटिक पैचेस हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे ऑन द लीफ मार्जिन्स। थिकनिंग ऑफ बीन्स, बीन्स कमज़ोर होने लगती हैं, ग्रोथ भी कम होने लगती है, स्टंटेड ग्रोथ एंड स्मॉल और चोक्ड बंचेस, बंच चोक्ड हो जाती हैं, उनमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता। सल्फर की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए जो कंट्रोल है, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र 20:20:0:15। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र एट द रेट 20 ग्राम पर प्लांट फॉलोड बाय इरिगेशन इज रिकमेंडेड। सल्फर की डिफिशियंसी को कंट्रोल करने के लिए 20:20:0:15 के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के 20 ग्राम पर प्लांट को इरिगेशन के बाद हम दें तो सल्फर की डिफिशियंसी को हम कम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मैगनीज। नैरो ग्रीन एजेस अपीयर्स एट द लीफ मार्जिन्स ऑफ सेकेंड और थर्ड यंगेस्ट लीव्स विच फर्दर स्प्रेड्स अलोंग द मेन वीन्स टुवार्ड्स द मिडरिब। हाउएवर द इंटरवीनल एरियाज रिमेन्स ग्रीन गिविंग कॉम टूथ अपीयरेंस। फिर से देखते हैं कि नैरो ग्रीन एज अपीयर्स एट द लीफ मार्जिन्स ऑफ सेकेंड और थर्ड यंगेस्ट लीव विच फर्दर स्प्रेड्स अलोंग द मेन वीन्स towards the midriff. However, the intervenal areas remains green, giving comb tooth appearance. Control: spraying manganese sulfate 0.5% on the leaves is recommended. The next is zinc. Symptoms appears mostly in limed soils और सॉइल्स विद हाई पीएच। जो चूनेदार मृदाएं होती हैं जिनका पीएच अधिक होता है उनमें जिंक की डिफिशियंसी स्पष्ट होती है। यंग लीव्स बिकम स्मॉलर इन साइज एंड मोर लेंसुलेट इन शेप। इन द फर्लिंग लीव हाई अमाउंट ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन अपीयर ऑन इट्स अंडरसाइड। द अनफर्ल्ड लीव हैज alternating chlorotic and green bands, fruit in light green, twisted, short and thin. Control of zinc deficiency is spraying zinc sulfate 0.5% on the leaves is recommended. Now the iron. The younger leaves turn yellow or white. Control: spraying iron sulfate 0.5% along with urea 1% on the leaf is recommended. Now the next deficiency is copper. Both young and old leaves show symptoms of chlorosis and curve toward the base, which gives an umbrella-like appearance to the plant. Copper mein प्लांट का एम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए स्प्रे कॉपर सल्फेट 0.5% ऑन द लीव्स इज रिकमेंडेड। नाउ द नेक्स्ट इज बोरोन डिफिशियंसी। डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड रिड्यूस्ड लीफ एरिया, कर्लिंग ऑफ लीव्स, लैमेला डिफॉर्मेशन, appearance of white strips perpendicular to the beans on the lamella of young leaves, thickening of secondary beans, inhibition of roots and flower formation. ये बोरोन में डिफिशियंसी के सिम्टम्स होते हैं। बोरोन की डिफिशियंसी को कंट्रोल करने के लिए application of boron salt 25 ग्राम पर प्लांट इन द soil around the root zone of the plant is recommended.
ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल रिसर्च सेंटर के हिसाब से जो रिकमेंडेशंस होती हैं इन पर्टिकुलर वेराइटीज़ की और अदर वेराइटीज़ की, किस किस स्टेज पर, किस किस मंथ में उन सब के फर्टिलाइज़र डोजेस को, चाहे वो यूरिया के फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट के फॉर्म में हो, चाहे वो म्यूरेट ऑफ पोटास के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, उन सब चीज़ों को ओपन कंडीशन में भी आपको बताया गया और टिशू कल्चर के द्वारा भी जो प्रोपोगेशन किया जाता है उसके द्वारा भी आपको बताया गया। पर टिशू कल्चर में जो आपको फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन बताया गया वो डेज के हिसाब से बताया गया, और ओपन कंडीशन में जो आपको बताया गया वो आपको मंथ के हिसाब से बताया गया। फिर कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज प्लांट में होती हैं उनके बारे में आपको बताया गया, क्या उनके निदान हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं वो आपको बताया गया। इसके साथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र का ये वीडियो आपका समाप्त होता है।